बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से वहां रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों से क्रूरता के साथ व्यवहार कर बहन बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने की बात सामने आ रही है। इसके विरोध में सर्व हिंदू समाज द्वारा जेल हनुमान मंदिर से हाथों में तख्तियां लिए नगर में रैली निकाली गई। बस स्टैंड पर भारत माता के चित्र पर मात्र शक्तियों ने माल्यार्पण किया और SDM कार्यालय पहुंचे, जहां महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। आज ज्ञापन आपने किस बात को लेकर दिया है? बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से वहाँ पर हमारे निवासरत बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू भाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार वहाँ पर किया जा रहा है और माता बहनों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है, उनके और यौन उत्पीड़न उनका किया जा रहा है और हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे हिंदू भारतीय लोगों की जो संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है और समाज में पूरे बहुत आक्रोश व्याप्त है। हिंदू समाज ने बहुत आक्रोश से इस रैली को निकाला है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर यह ज्ञापन दिया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस बात को उठाया जाए और हमारे हिंदू भाइयों के लिए जो वहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहे हैं उनको तत्काल बंद किया जाए और उन पर रोक लगाई जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।